अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप ऑल यू आर फाइन। वेलकम टू हीरा किचन जोन। आज मैं आपको पानी की फुल्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने 125 ग्राम यानी कि एक कप बेसन ले लेना है और इसके सारे लम्स को आपने हाथों से ख़त्म करना है, मैश करना है बेसन को अच्छी तरह हाथों से। 1 ग्लास वाटर लेना है इसको सोक करने के लिए। स्प्रिंग की हेल्प से इतना अच्छा बेसन नहीं सोख होता जितना आपकी हथेली मतलब उंगलियों से सोख होता है, तो आप फुल्कियों के लिए हाथों से ही हाथों का इस्तेमाल करें। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हसबे ज़ायका नमक इस्तेमाल करें और इसको बनाने से पहले आधा घंटे पहले आप इसको भिगो दें और आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दें। देखें थोड़ा पेस्ट को थिक रखना है क्योंकि ये फूलेगा। और ये अब मैंने आधा घंटे बाद चेक किया है तो देखें इसका पेस्ट कितना अच्छा क्लियर हो गया है। अब मैं इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल के और इसको अच्छी तरह फेंटती जा रही हूँ क्योंकि ना ज़्यादा हमें थिक रखना है और ना ज़्यादा इसको थिन रखना है, क्योंकि ज़्यादा थिक रखने से फुल्कियों के अंदर गुठली रह जाती है तो ये अच्छी फुल्की की मतलब सही फुल्की की पहचान नहीं है। इतने में मेरा पैन में घी भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और इसको मैं अच्छी तरह बीटअप कर रही हूँ बेसन को। और इसमें 1/4 चम्मच अब मैं खाने का सोडा ऐड कर रही हूँ। खाने का सोडा हमने पहले से नहीं शामिल करना, नहीं तो इससे फुल्कियाँ फट जाती हैं। इसको जिस टाइम आप फ्राई करने के लिए घी गरम रखें उसी टाइम आपने खाने का सोडा डालना है। और फिर जिस भी स्पून से आपको लगे कि आपको फुल्कियाँ बनानी हैं, मैं टेबल स्पून से फुल्कियाँ डाल रही हूँ, आप वो स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें फुल्कियाँ खुद ब खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगी और अगर कोई थोड़ा बहुत बेसन स्प्रेड हो जाए तो नो प्रॉब्लम, वो छोटी छोटी सी फुल्कियाँ भी आप दही में डाल के और चटनी के साथ डाल के खा सकते हैं। आप देखेंगे फ्राई होके जो फुल्कियाँ मैंने निकाली हैं इसको मैं एक बाउल में पानी लेकर और इसमें भिगो दूंगी सॉफ्ट होने के लिए। जब तक मैं फ्राई पैन के अंदर और मिक्सचर बेसन का डाल के अपनी फुल्कियाँ डाल दूंगी। ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो रही हैं। जब एक साइड से फुल्कियाँ फ्राई हो जाएं तो फिर उसके बाद आप उसको पलट दें, स्पून से पलट दें, कोई भी जो आपके पास चमचा हो और या फिर आप चिमटे की हेल्प से पलट दें। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इसको इस तरह पलट रही हूँ। देखें फुल्कियाँ खुद ही फूलती जा रही हैं और कोई फुल्की फटी नहीं है। जाहिर सी बात है बेसन थोड़ा बहुत तो टपकेगा, तो आप उसको भी पानी में डाल दें सोक कर दें ताकि फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएँ। और देखें ये सारी फुल्कियाँ जब मेरी बन गई थी तो ये इस तरह से ये 2 प्लेटें मेरी आराम से मैंने निकाल के इसको हल्के हाथ से कोई फुल्की टूटने ना पाए, इसकी खूबसूरती इसी तरह है। और ये चटनी जो इमली की गार्लिक की चटनी है इसका और इन फुल्कियों का जोड़ बहुत अच्छा है। इसको चमचे और रोटी दोनों से खा सकते।